नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा। आज आपको हाइड्रोलिक लीवर की पहचान, डीसी लीवर और पीसी लीवर की आपको यहाँ पर बताता हूँ। कई बच्चों का मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर, हाइड्रोलिक लीवर को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि पोजीशन कंट्रोल लीवर कौन सा है और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर कौन सा है। तो मैं आपको आज इसकी सबसे सरल पहचान यहाँ पर बताता हूँ। देखिए, ये हमारे पास एक ट्रैक्टर है, उस ट्रैक्टर के ये वाली सेक्टर प्लेट कहलाती है, जिसपे दो लीवर लगे होते हैं, एक पोजीशन कंट्रोल लीवर और एक ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर। कई लीवर ऐसे होते हैं जिनमें दोनों की हाइट सेम रहती है, तो हम डीसी और पीसी लीवर उसमें नहीं पहचान पाते। तो आपको एक सरल तरीका मैं यहाँ पर बताता हूँ कि पोजीशन कंट्रोल लीवर से क्या होता है और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर से क्या होता है। जब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके देखेंगे तो हमारी जो पीछे थ्री पॉइंट लिंकेज है, जिसमें दो लोअर लिंक और टॉप लिंक, इसके साथ एक एम्प्लीमेंट लगा होता है। एम्प्लीमेंट की ग्राउंड से ऊंचाई कितनी है, ऊपर आ रही है, कितनी नीचे आ रही है और कहां पर हमें उसे होल्ड करना है और कहां पर हमें उसे रखना है, वो सारी पोजीशन जो रहेगी वो इस पोजीशन कंट्रोल लीवर से होगी। तथा ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को हम जब ऑपरेट करेंगे तो जीरो ड्राफ्ट के बाद ये हमारी जो टू पॉइंट लिंकेज या थ्री पॉइंट लिंकेज है, लोअर लिंक है, वो ऑटोमेटिक लिफ्ट होगी, बीच में कहीं होल्ड नहीं होगी। अब मैं ट्रैक्टर को स्टार्ट करता हूँ और लीवरों को ऑपरेट करके आपको यहाँ पर बताता हूँ। मैं यहाँ पर देखिए ट्रैक्टर को स्टार्ट करता हूँ। ट्रैक्टर को स्टार्ट किया, उसके बाद जैसे ही मैं पोजीशन कंट्रोल लीवर को ऑपरेट कर रहा हूँ, ये देखिए आप पीछे की तरफ जाकर देखें, ये देखिए पोजीशन कंट्रोल लीवर को ऑपरेट कर रहा हूँ। जितना ऑपरेट कर रहा हूँ उतना ग्राउंड से लिफ्ट हमारी ऊपर उठ रही है। देखिए उठने के बाद होल्ड हो रही है। ये लगभग 150 से लेकर 350 तक की पोजीशन यहाँ पर आती है। सेक्टर प्लेट पर जब हम लोग चलाते हैं तो एमएम में आती है ये देखिए। फिर छोड़ा मैंने, ये आया। अब मैं ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को ऑपरेट करके बताता हूँ। आप पोजीशन कंट्रोल लीवर को डाउन करिए, पूरा डाउन करिए, ये देखिए ये डाउन होगा। अब हम लोग ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को ऑपरेट करते हैं। जैसे ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को ऑपरेट करते हैं, यहाँ देखिए, ये देखिए ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर को जैसे ही मैं ऑपरेट करता हूँ तो जीरो ड्राफ्ट के बाद ये देखिए नीचे बीच में कहीं होल्ड नहीं हो रहा, ऑटोमेटिक अप जा रहा है। तो यह पहचान होती है ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर की और पोजीशन कंट्रोल लीवर की। ठीक है दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।